हेलो गाइस, नमस्कार। सुप्रभात, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है फिर से एग्जाम पास पर। हाय अपडेट, हेलो विवेक, हाय संजय, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आ जाइए फटाफट, आ जाइए बेटो, आप सभी लोग आ जाओ। हाय सनिका, गुड मॉर्निंग बाबू, कैसे हो आप सब गाइस? फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ तुरंत। हाय संग्राम और बाकी के लोग कहाँ गए भाई, अपने दोस्त सबके सब लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। गैस, जैसा हम डेली डिस्कस करते हैं बेटू, दो सेशन है आपके बेटू, दो सेशन में हम लोग को बने रहना है, सुबह 8:30 बजे और रात के 9 बजे। गैस, आज रात का जो सेशन है वो बेस्ड होगा बैंकिंग अवेयरनेस। इस वीक में बैंकिंग अवेयरनेस नहीं हुआ, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस नहीं हुए, जो करेंट के ऊपर बेस्ड होंगे, यानी बेस्ड ऑन करेंट इवेंट। गाइज, जो करेंट के ऊपर बेस्ड होगा इसका, अच्छा अच्छा कल जिसका जिसका आईबीपीएस क्लर्क है भाई, उनको उनको बेस्ट ऑफ लक। एग्जैक्टली विवेक, वेरी गुड। एंड रामाकृष्णा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हो गाइस? रामाकृष्णा सर, कैसे हैं आप? नहीं पार्टी क्या, वो बस ऐसे ही था और गए थे तो हमके क्लास स्किप हो जाता है, इसलिए हम लेके चले गए थे अपना बोरिया बिस्तर सर, वहां पे क्लास लिया। क्लास के बाद हमें इसीलिए हम कहें एक बार आ जाएं, दैट्स इट, उसके बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो नहीं तो स्किप हो जाता, ठीक है। सो गाइस, आज स्टैटिक कॉर्नर में चलते हैं। एक नई स्कीम आई है बेटू, क्या? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। गाइस, हाय बल्लू, गुड मॉर्निंग। गाइस, एक नया स्कीम आया है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। हेलो रहमत भाई, गुड मॉर्निंग। विवेक, बाहर तो सर्दी ही है यार, दिल्ली में भी सर तो पड़ती है, ठंड तो है ही, तो टी शर्ट स्वेटर और जैकेट पहन के गए थे। हाँ गुड मॉर्निंग डॉली, गुड मॉर्निंग, पूछो पूछो क्या है डॉली, मैसेज कर लेना अगर ऐसा वैसा है तो, मैसेज कर लो, ठीक है। आते हैं गाइस, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना क्यों मूव करें तो देखते हैं गाइस इसमें क्या, ठीक, अच्छा रहा रमत सर, अच्छा रहा, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर बाय इनकरेजिंग द बिजनेस टू डू फ्रेश हायरिंग अमिड द पैंडेमिक। गाइज, ये स्कीम क्या है, तो बूस्ट एम्प्लॉयमेंट इन फॉर्मल सेक्टर, यानी गाइज जहां पे सैलरी मिलती है प्रॉपर तरीके से, जो फॉर्मल सेक्टर है उनके वहां पर एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना विल ऑल्सो इंसेंटिवाइज क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0। गाइस, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के अंतर्गत ये इंसेंटिव इसमें प्रोवाइड करना है न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ। कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन एक्सपेंडिचर ऑफ 22,810 करोड़ फॉर द स्कीम। गाइस, इसमें डॉली हम आपको बता देते हैं, डोंट वरी, बैंकिंग की तैयारी के लिए कुछ टिप्स, ओके ओके बता देते हैं अपने सेक्टर से, अपने सेक्शन से और एक दो चीजें और बता देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बेटू, वेट कर लो, थोड़ा बता देते हैं अभी, ठीक है। गाइस, 22,810 करोड़ का इसमें आउटले तैयार किया है किसने, कैबिनेट, गवर्नमेंट एंड कैबिनेट ने। और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना विल रन फ्रॉम 20 to 23, 20 से 23 तक ये रन करेगा गाइस। और 1584 करोड़ हैज बिन इमार्क द करेंट फाइनल फाइनेंशियल ईयर, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में गाइस 1584 करोड़ रुपए क्या किया गया है, ईयर मार्क किया गया, यानी कि सैंक्शन किया गया इस साल के लिए, 20 और 21 के लिए गाइस, किसमें, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में। गाइस, इसमें इसलिए देख लेते हैं द की इंसेंटिव्स अंडर द स्कीम, इसमें क्या है की इंसेंटिव्स, क्या है इसके अंदर। गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडी फॉर 2 ईयर्स। गाइस, गवर्नमेंट 2 साल तक सब्सिडी प्रोवाइड करेगी इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज इंगेज्ड और ऑन द और आफ्टर 1st October 2020 एंड अप टू 30th June 2021। गाइस, गवर्नमेंट इसमें क्या प्रोवाइड करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी और एम्प्लॉयमेंट को इंगेज के लिए आफ्टर, यानी क्या, बाद में 1 अक्टूबर के बाद और 30 जून 2021 तक गाइस क्या करेगी, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी इसमें, ओके। गवर्नमेंट विल पे बोथ 12% एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, ईपीएफ की बात हो रही है यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन आया तो समझ लेना ईपीएफ,
12% इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन एंड 12% इम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, यानी क्या टोटल मिला के 24। गाइस याद रखना ईपीएफ में जितना, यानी कि देखो 12% इम्प्लॉय दे रहा है यानी अपने सैलरी से कटवा रहे हैं हम, और 12% कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रहा है गाइस। टोटल यानी कितना हुआ 24% ऑफ वेजेस ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू इम्प्लॉयज इन एस्टेब्लिशमेंट employing up to 1000 employee for 2 years, guys 1000 employee को 2 साल तक 24% का क्या देगा EPF में, यानी एक मतलब EPF में जो contribution होता है वो देगा, ठीक है guys। Government will pay only employee shares of EPF contribution, government will pay केवल employee के share का payment करेगा guys, याद रखिएगा employee के, याद रखना इंप्लॉई के जो यहाँ पे होता था, जैसे इसमें एक चीज याद रखना जो 12% हम लोग देते थे वो 12% मेरी जगह गवर्नमेंट देगा और मेरा इंप्लॉयर तो देता ही देता है। जैसे हम एग्जाम पास में तो 12% मेरा मेरे सैलरी से जो जाता था और वो ना हमसे ना लेके वो गवर्नमेंट देगी और 12% एग्जाम पास देगा गाइस, याद रखेगा ठीक है। शेयर ईपीएफ 12% ऑफ वेजेस इन रिस्पेक्ट टू न्यू एम्प्लॉयज और 1000 एम्प्लॉय 2 ईयर्स गाइस, 1000 एम्प्लॉय को 2 साल तक ये देगा, ठीक है याद रखना 1000 एम्प्लॉय को 2 साल तक देगा 12% किसके जगह पर, तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है वही पे करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं गाइस, सुनिएगा। पीएफ में आपने जानते होंगे जितना पैसा पापा का कटता है सैलरी से उतना ही पापा का एम्प्लॉयर यानी कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है गाइस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईपीएफ में क्या है, अगर मेरा 12% कट रहा है बिटू तो 12% मेरा कट रहा है, 12% मेरे इंप्लॉयर है मेरा यानी कि जिसके यहाँ नौकरी कर रहे हैं वो उसको देना होगा। लेकिन गाइस गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोला कि 2 साल तक 1000 एम्प्लॉई को जो स्टार्टिंग जो होंगे उनको 12% जो उनके सैलरी से जाता था वो ना दे के 12% उनको गवर्नमेंट देगी, तो गाइस ये अच्छी बात है ठीक है, यानी कि इंप्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट पे करेगी, दैट्स इट, याद रखना। किसमें, तो बेटू आपको याद रखना है तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में गए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्यों मूव करते हैं गाइस, अब आते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स बुलेटिन में गाइस, इसमें देखते हैं फटाफट न्यूज और फटाफट आते हैं, ज्यादा आज न्यूज नहीं है गाइस, ज्यादा न्यूज नहीं है आज। क्या देखते हैं, फॉर्मर स्वेडिश गोल्फर अनिका सोरेन स्टैम इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन। गाइस अगर आपको याद होगा तो हमने इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के बारे में कल रात में ही हमने डिस्कस किया था बेटू, अगर आपको याद होगा। हम इसीलिए करंट न्यूज के था, ऑलमोस्ट करंट न्यूज पे ही हाईलाइट किए थे। सो गाइस आपको याद होगा कल रात वाले में हम लोग ने सेशन लाया था स्टैटिक अवेयरनेस, उसमें हमने क्वेश्चन किया था इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। So guys, उसी के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए कौन, अनिका सोरेनस्टैम गाइस, अनिका सोरेनस्टैम फ्रॉम स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल क्या है मेरे दोस्त, स्वीडन की कैपिटल है गाइस स्टॉकहोम, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम एंड गाइस करेंसी इज क्रोना, करेंसी क्या है क्रोना गाइस, याद रखना। यहां पर नोबेल के 5 अवार्ड दिए जाते हैं गाइस। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन इनको अपॉइंट किया गया और इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, सो गाइस याद रखना लुसाने स्विट्जरलैंड, एग्जैक्टली विवेक कल हम लोगों ने ये रात में डिस्कस किया था बच्चे, लुसाने स्विट्जरलैंड किसका, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड जेना वुडरिज अपॉइंटेड एट वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन प्रेसिडेंट। गाइस वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन प्रेसिडेंट बनाया गया किसको, इंग्लैंड की जेना वुडरिज को, इंग्लैंड की जेना वुडरिज फ्रॉम इंग्लैंड न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन, और इसका स्क्वैश फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, यूके में है गाइस, कहां पर इसका हेडक्वार्टर, यूके में, एग्जैक्टली दीपक भाई बहुत अच्छे। एंड गाइस नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, मेडागास्कर रिप्लेस मालदीव्स टू होस्ट 2023 इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स। गाइस मेडागास्कर ने रिप्लेस किया मालदीव्स को टू होस्ट 2023 का इंडियन ओशियन आइलैंड गेम कौन होस्ट करेगा, मेडागास्कर। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड 1.5 किलोमीटर कोइलवर। गाइस कोइलवर आई थिंक आपको नहीं पता होगा, कोइलवर एक ब्रिज है, आप जब पटना जाओगे तो आरा के आगे में, आरा और पटना के बीच में पड़ता है, आरा और बेटा के बीच में,
ठीक है, सोन नदी के ऊपर बना हुआ उस ब्रिज का 1.5 किलोमीटर का ब्रिज है, कोइलवर ब्रिज। गैस कोइलवर ब्रिज के अभी इनॉग्रेट किया, सोन नदी के ऊपर बना है। किसने इनॉग्रेट किया? नितिन गडकरी साहब ने। हम जब भी जाते थे, जब पटना में क्लास लेते थे, हम बनारस से जाते, तो मेरे को याद होता था, जब कोइलवर आ जाता था तो लगता था हाँ चलो पटना नजदीक आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। सोनू सूद टॉप्स यूके 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड लिस्ट 2020। गैस सोनू सूद टॉप के यूके के टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज में, पूरे विश्व के 2020 के लिस्ट में। गाइस याद रखिएगा, कैबिनेट अप्रूव्ड आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। जस्ट अब यह हम लोगों ने पढ़ा बेटू, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। बेटू फिर से सुन लो, ये छो के छो फटाफट एक बार देख लेते हैं, समराइज कर लेते हैं इसको। क्या स्वीडन के फॉर्मर गोल्फर अनिका सोरेनस्टाम को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन का? गाइस पहला चीज, इंग्लैंड की जेना वुल्ड्रिस को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, जिसका हेडक्वार्टर यूके में है। मेडागास्कर ने मालदीव्स को रिप्लेस कर दिया 2023 एशियन इंडियन ओशियन इंग्लैंड आइलैंड गेम्स के लिए। गाइस ठीक है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने 1.5 किलोमीटर का एक कोइलवर ब्रिज जो सोन नदी के ऊपर बना है उसको इनॉग्रेट किया, जो कहां पर है? बेहटा और आरा के बीच में। गाइस आरा एक जगह है बिहार में, कहते ना भभुआ ही आरा हिले भभुआ हिले, बहुत सारा नाम सुना होगा। सो गाइस आपने सुना होगा, तो कोइलवर, कोइलवर एक जगह है, तो 1.5 किलोमीटर का एक ब्रिज है गाइस, किस नदी के ऊपर? सोन नदी के ऊपर। गाइस ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कोइलवर ब्रिज जिसको 1.5 किलोमीटर का जो ब्रिज था, जिसको नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया बिहार में, ये वह किन नदी के ऊपर है? तो गाइस याद रखना, सोन नदी के ऊपर है, सोन रिवर के ऊपर है। गाइस सोनू सूद टॉप किए हैं भैया 50 एशियन सेलिब्रिटीज पूरे विश्व में, टॉप 20 में इन यूके के लिस्ट। यूके में अगर ये यूके के द्वारा ये लिस्ट आता है, तो यूके के 50 एशियन सेलिब्रिटीज में पूरे विश्व में इन्होंने टॉप किया है। और गाइस कैबिनेट गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की। सो गाइस आपको याद करें, ये 6 न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो बेटू आपको फटाफट याद रखनी है 6 के 6 को। अब आते हैं गाइस नेशनल न्यूज के ऊपर, फटाफट देखते हैं नेशनल न्यूज। गाइस नेशनल न्यूज के ऊपर मूव करते हैं, तो इसमें देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस। पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। गाइस पीएम मोदी ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या रखा, यानी उन्होंने उद्घाटन किया, इन्होंने न्यू रखी है। गाइस याद रखिएगा, पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का भैया इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग टुडे एट संसद मार्ग इन पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। जस्ट उसी के बगल में बन रहा है टाटा ट्रस्ट, चेयरपर्सन टाटा रतन टाटा, यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, डेप्यूटी आरएस चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह एंड वेरियस रिलीजियस लीडर वेयर प्रेजेंट ऑन द अकेजन। गाइज ये सभी के सभी लोग अकेजन में अवेलेबल थे, मिंटू से ये थे वहां पे। The new parliament building will be the intrinsic part of the center's Atmanirbhar Bharat vision. Tata Project Limited has been given contract for the project. Guys, ये project Tata को दिया गया है ये नया parliament building बनाने के लिए। Exactly, exactly. Very good, Deepak sir. 971 करोड़ में, 971 करोड़ में ये बनेगा guys. ठीक है, सो बेटू आपको याद रखना है, पीएम मोदी ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया या मिट्टी शिलान्यास किया, नींव रखी। अब गाइस ये एक इनका ये कहना था कि जब भी कुछ होता था बेटू, तो प्रॉब्लम बहुत सारी होती थी, लोग एक साथ नहीं बैठ पाते थे, पुराना वाला म्यूजियम बन जाएगा। एग्जैक्टली या गाइस नेक्स्ट पॉइंट को मूव करते हैं अपने। या आते नेक्स्ट पॉइंट गाइस, लक्षद्वीप डिक्लेयर्ड फर्स्ट यूटी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। गाइस लक्षद्वीप डिक्लेयर किया गया पहला यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। गाइस सिक्किम के बाद, बेटू फटाफट सेशन को लाइक कर दो यार, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक का बटन दबाओ यार, ऐसे नहीं चलेगा भाई। ठीक है, बहुत कम लोग हैं बेटू, एक बार ही सेशन को शेयर कर दो, देन उसके बाद फिर हम लोग सब लोग बैठ जाएंगे यहाँ पे। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। एग्जैक्टली दीपक, सिक्किम के बाद पहला ऐसा है, और ये पहला
यूटी है जो गाइज 100% ऑर्गेनिक हुआ है, पहला यूनियन टेरिटरी जो गाइज 100% ऑर्गेनिक है। इसके पहले कौन था? सिक्किम था। बेटू देखते हैं, लक्षद्वीप आफ्टर सिक्किम हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक एज ऑल द फार्मिंग इन द रीजन इज कैरिड आउट विदाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। गाइज ना तो इसमें कोई बाहर से केमिकल यूज किया जा रहा है, ना कोई पेस्टिसाइड या कोई फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है। या संजय पॉल सर, ओहो अच्छा रहमत भाई, द स्टेप टू ऑप्ट द ऑर्गेनिक फार्मिंग वॉज टेकन टू प्रोवाइड एक्सेस टू सेफर फूड चॉइसेस एज वेल एज मेकिंग एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी। गाइज ऐसे आ गया शौक सीधी एक बात कि ऑर्गेनिक फार्मिंग उसको कहा जाता है बेटू जहां पर कोई पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज, सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज नहीं किए जाते और गाइज फसल को पैदा किया जाता है। सो बेटू आपको बता दें ये सेम वही चीज था, लक्षद्वीप पहला यूटी बना है यूनियन टेरिटरी और गाइज पहला स्टेट कौन सा था? तो बेटू पहला स्टेट था सिक्किम। सो गाइज आपको याद रखना सिक्किम के बाद इंडिया में कोई दूसरा है तो वो है लक्षद्वीप। सो गाइज 100% ऑर्गेनिक बन गया है बेटू। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको जानना जरूरी है, मस्ट है। ये पहले तो बात हुई थी बट अब तो इन्होंने सीधा सीधा लॉन्च कर दिया। चाइना एक्टिवेट्स न्यूक्लियर पावर आर्टिफिशियल सन। गाइज चाइना ने एक्टिवेट किया है न्यूक्लियर पावर आर्टिफिशियल सन। न्यूक्लियर पावर आर्टिफिशियल सन लॉन्च किया है किसने? चाइना ने बेटू। ये जो आर्टिफिशियल सन है जो उसका कोर है, आपने देखा होगा सूर्य भगवान ये अंदर वाला हिस्से को, इस वाले हिस्से को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। तो गाइज 10 times हॉटर देन कोर ऑफ द सन। गाइज याद रखना 10 times हॉटर बेटू, ये 10 गुना हॉटर है द कोर ऑफ द सन। ठीक है, हॉटर देन है गाइज, याद रखना ये 10 गुना ज्यादा हॉट है यानी गर्म है बेटू, याद रखना। ठीक है बेटू, चाइना ने क्या किया? चाइना न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन को लॉन्च किया। देखते हैं गाइज, चाइना सक्सेसफुली एक्टिवेटेड इट्स न्यूक्लियर पावर्ड आर्टिफिशियल सन HL2M टोकामैक रिएक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन December 4, 2020 द फ्यूजन रिएक्टर वॉज स्विच्ड फॉर अ ब्रीफ टेस्ट। गाइज जो फ्यूजन है, जो संलयन है जिसको बोलते हैं, क्योंकि सूर्य में भी यही होता है, रिएक्टर वॉज स्विच्ड फॉर अ ब्रीफ टेस्ट, ब्रीफ टेस्ट के लिए। एग्जैक्टली संग्राम, क्या बात है। The successful activation of the nuclear fusion reactor is being held as a significant scientific achievement as it comes at a time when countries across the world are attempting to shift to safer, cleaner form to nuclear energy. Guys, the reactor is expected to fuel China's energy ambitions for years to come if it is made more sustainable. Guys, याद रखना, exactly ये लोग इतना ज़्यादा यानी कह सकते हो बेटू इतना आगे जा रहे हैं, ये इसमें थोड़ा डर भी है और इसमें थोड़ा, क्योंकि ये न्यूक्लियर रिएक्टर है गाइस, याद रखना फ्यूजन रिएक्टर है, अगर कुछ हुआ तो भयंकर तबाही होगी। ठीक है, सो गाइस याद रखना इस आर्टिफिशियल सन का नाम क्या है? HL2M टोकामैक रिएक्टर गाइस। पहली 4 December को लॉन्च किया गया था पहली बारी, फ्यूजन रिएक्टर इसमें है और गाइस याद रखना ये सूर्य भगवान के जो कोर है उसके 10 गुना ज्यादा गर्म है, हीट है, हॉटर है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं गाइस इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर, फटाफट चलते हैं। इंडिया ड्रॉप्स टू 9th spot इन ग्लोबल स्पैम कॉल टैली, गुजरात गेट्स मैक्स कॉल्स ट्रू कॉलर। बेटू आपको पता होगा सबसे ज्यादा स्पैम कॉल गुजरात से आते हैं, सबसे ज्यादा गुजरात गेट्स मैक्स कॉल, गुजरात में अधिकतम कॉल आए हैं अकॉर्डिंग टू ट्रू कॉलर के कहने पर, यानी ट्रू कॉलर के अकॉर्डिंग गुजरात में गेट्स गुजरात ने प्राप्त किया मैक्सिमम कॉलर्स यानी कॉल आए हैं इसके पास। और गाइज याद रखना इंडिया ड्रॉप टू 9th spot इन ग्लोबल स्पैम कॉल टैली, और इंडिया स्पॉट क्या हो गया? गिर गया गाइज, ड्रॉप 9th spot। देखते हैं, इंडिया मोबाइल यूजर सॉ 34% डिक्लाइन इन स्पैम कॉल्स रिसीव्ड इन 2020। गाइज 2020 में 34% क्या हुआ है? स्पैम कॉल्स आए हैं, helping the country move lower to the 9th position in the tally of most spammed countries according to the report by Truecaller. Truecaller के according ये report है guys, Brazil continues to stay on the top position. Guys सबसे ज्यादा फर्जी कॉल या फिर फेक कॉल आते हैं ब्राजील में,
और इंडिया 9th रैंक पर है गाइस. विद इन इंडिया गुजरात रिसीव द मोस्ट स्पैम कॉल्स इन 2020. गुजरात ने सबसे ज्यादा स्पैम कॉल पाए हैं गाइस. व्हाइल इंडिया वाज एट द 5th पोजीशन इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्पैम कॉल्स रिसीव्ड बाय यूजर इन 2019. गाइस इंडिया 5th पोजीशन पे था 2019 में. अभी तो हम चार हम लोग और गिर गए हैं, यानी कि थोड़ा अच्छा हुआ हमारा. ठीक है. अदर कंट्रीज इन द टॉप 10 टैली आर द यूएस, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, इंडोनेशिया, यूके, यूक्रेन एंड चिली. ये सब गाइस टॉप 10 कंट्रियां जहां सबसे ज्यादा क्या आते हैं, स्पैम कॉल्स आते हैं सबसे ज्यादा. सो गाइस याद रखना. तो ये किसने रिपोर्ट दिया गाइस? ट्रू कॉलर ने दिया. ट्रू कॉलर ने ये रिपोर्ट दिया गाइस. ट्रू कॉलर आई थिंक सबके पास होगा. गाइस अब आते हैं ऑबिचुअरी के ऊपर. फटाफट देखते हैं ऑबिचुअरी को. फेमस हिंदी पोएट एंड जर्नलिस्ट मंगलेश डबराल पासेस अवे. गाइस मंगलेश डबराल का निधन हो गया. प्रसिद्ध हिंदी कवि और पत्रकार थे गाइस. मंगलेश डबराल. गाइस मंगलेश डबराल ये 72 साल की एज में कोविड 19 कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनका डेथ हुआ. और गाइस ही डबराल हिंदी न्यूज़पेपर लाइक जनसत्ता, प्रतिपक्ष, ही हैड आल्सो वर्क द नेशनल बुक ट्रस्ट NBT एंड एडिटोरियल कंसल्टेंट के तौर पर भी इन्होंने काम किया है. याद ही पकड़ ट्रू कॉलर चाइना का है. एंड डबराल हैज रिटन 5 पोएट्री कलेक्शन. पहर पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, और एंड नए युग में शत्रु. ही आल्सो रोट 2 कलेक्शन ऑफ प्रोज. लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन. गैस ये इन्हीं की बुक थी, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन. सब ये सब इन्होंने ही लिखा है. हिज कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर ही वॉज द गिवन साहित्य अकादमी अवार्ड. बिटू इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है गाइज. साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है किसको? सो गाइज याद रखना मंगलेश डबराल को. इंपॉर्टेंट डेज गाइज, इंपॉर्टेंट डेज क्यों मूव करते हैं. इंपॉर्टेंट डेज में आते हैं गाइज क्या. वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे गाइज, विश्व मानवाधिकार दिवस. विवेक बोल रहे वीडियो इज नॉट वर्किंग. गाइस वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, विश्व ह्यूमन राइट दिवस यानी अधिकार, मानव अधिकार दिवस. गाइस देखते हैं इसके बारे में. दिसंबर 10 को ऑब्जर्व कराया जाता है ह्यूमन राइट डे. और गाइस इस बार का थीम क्या था गाइस? रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स. गाइस ये थीम याद रखना आप सभी गाइस. ये थीम है रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स. रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स. ठीक है. या सो गाइस याद करें रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स डे हर साल 10 दिसंबर को ऑब्जर्व कराया जाता है. बीच बीच में अटक रहा है या विवेक, मेरे को भी लग रहा है यहां भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है बाबू. अब आते गाइस एमसीक्यूज के ऊपर फटाफट. अभी प्रीवियस डेज के एमसीक्यूज है गाइस, आप डिस्कस करते हैं इसको. आपको द 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच कंट्री. गाइस जवाब देना फटाफट. द 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन विच कंट्री. जवाब दीजिए. सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फिनलैंड. ओके सिंगापुर. अपडेट लाइव विवेक, दीपक भाई, विवेक और डॉली. डॉली बोले नेट प्रॉब्लम. रहमत सर ए सिंगापुर. ओके 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 ओके. Davos to Lucarni and the finally to Singapore. Okay, Sangram. Very good. Dolly, its correct answer is option A. Very good, Babu. Singapore. पहले कहाँ था? तो Switzerland के Davos. Then उसके बाद Lucarni. Lucarni वैसे Lucarni. क्या पढ़ते हैं उसको? तो Lucarni. Lucarni या Lucarni जो भी पढ़ लो आप. Switzerland में ही. Then guys, अब कहाँ पर है? अब है Singapore में. तो actually guys ऐसे आते हैं Davos to Singapore. हेडक्वार्टर एक्चुअली में वहीं पर इसका. विच कंट्री हैज बीन प्रोजेक्टेड टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द एशियन रीजन इन द कैलेंडर ईयर 2021 एज पर नोमुरा. नोमुरा के अकॉर्डिंग. हाय उत्कर्ष, गुड मॉर्निंग गाइस. नोमुरा के अकॉर्डिंग एशियन रीजन में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कौन होने वाली 2021 में नोमुरा के अकॉर्डिंग? गाइस चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर.
अच्छा लुसर्न, ओके ओके, फटाफट जवाब दीजिए। हाँ रामसर फर्स्ट जा रहा वीडियो गाइस, इट्स करेक्ट आंसर इज इंडिया, 9.9% तक। अब किसने बोला है नोमुरा, नोमुरा कहाँ की है, जापान की है। गाइस नेम द विनर ऑफ 2020 मेल वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। गाइस उत्कर्ष एग्जाम है लोगों का, मे भी इसलिए अवेलेबल ना हो। और गाइस प्लीज सेशन को लाइक करना बेटू। मनोज से आंसर 9.9 या इंडिया एग्जैक्टली, मनोज भाई रमत सर एग्जैक्टली, मनोज सेन सर इट्स 9.9 सर, 9.9 कर लीजिएगा सर। या गाइस नेम द विनर ऑफ 2020 मेल एथलीट्स ऑफ द ईयर। हमने बोला दो थे, मेल और फीमेल दो थे, मेल और फीमेल दोनों को दिया गया गाइस, बट फिर भी यहां पे पूछा गया नेम द विनर ऑफ 2020 मेल वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। मोंडो डुप्लांटिस, ओके संगू का बोल रहे हैं सर, मोंडो, मोंडो डुप्लांटिस फ्रॉम स्वीडन। एग्जैक्टली मेरे भाई, बहुत अच्छे दीपक सर। इट्स करेक्ट आंसर इज क्या, ऑप्शन सी मोंडो डुप्लांटिस। गाइस मोंडो डुप्लांटिस कहां से, स्वीडन से, स्वीडन स्टॉकहोम। गाइस याद रखिएगा स्टॉकहोम बिटू, यहां से याद करना स्वीडन में ही क्या है तो सिप्री, सिप्री का हेडक्वार्टर यहीं पर है, सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। गैस याद रखना सिप्री, तो मोंडो डुप्लांटिस। गैस याद रखना ये वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर, मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीते हैं मोंडो डुप्लांटिस। गैस या नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बोर्ड कहते हैं, नेम द विनर ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020। गैस नहीं नहीं रमत भाई कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। नेम द विनर ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 2020 गाइस, राजकमल झा, क्या बात है संग्राम। रमत सर रामनाथ गोयनका, रमत सर अच्छा दूसरे के लिए क्वेश्चन, ओके ओके। या पॉल सर, संजय भाई वेरी गुड, बहुत अच्छे, एग्जैक्टली गाइस झा जी, इट्स करेक्ट इन राजकमल झा, राजकमल झा साहब को दिया गया गाइस विनर रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेचर प्राइज। अब बेटू ये याद रखना ये बुक है किसके ऊपर, तो गाइस ये बुक है दिल्ली यानी कि निर्भया केस के ऊपर, निर्भया केस के ऊपर ये बुक है गाइस। एज पर नोमुरा, ये देखो परसेंटेज आ गया, एज पर नोमुरा व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द कैलेंडर ईयर 2021। फटाफट जवाब दीजिए, एज पर नोमुरा व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन द कैलेंडर ईयर 2021। 9.9%, 8.7%, 7.5%, 9%। गाइस जवाब दीजिए, एज पर नोमुरा व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इंडिया द इन द कैलेंडर ईयर 2021। वेरी गुड सुपर, बहुत अच्छे, वेरी गुड गाइस, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 9.9%, 9.9%, वेल डन गाइस, सुपर। इंडियन प्लेयर पार्थिव पटेल हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट, ही प्लेड फॉर विच टीम इन डोमेस्टिक क्रिकेट। गाइस ये जवाब देना, और संग्राम आपसे उम्मीद करते हैं आपका जवाब पहले आएगा। इंडियन प्लेयर पार्थिव पटेल हैज रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, ही प्लेड फॉर विच टीम इन डोमेस्टिक क्रिकेट। कहां से, संग्राम का जवाब आ रहा है गुजरात, दीपक सर भी नाम से समझ में आ रहा होगा। उत्कर्ष एग्जैक्टली भाई, वेरी गुड विवेक, सुपर, एग्जैक्टली गाइस इट्स करेक्ट आंसर इज गुजरात, गुजरात से खेलता था डोमेस्टिक क्रिकेट कौन, पार्थिव पटेल, पटेल भाई याद करना, नाम आ गया तो याद रखना। या एग्जैक्टली संजय सर, वेरी गुड, गुजरात का कप्तान, एग्जैक्टली विवेक 2002 में डेब्यू किया था, क्या बात है, क्या नॉलेज है संग्राम यार, सुपर, क्रिकेट में मामले में तो भाई मस्त है। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इज द ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। गाइस व्हेन इज द ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व, या उत्कर्ष इसीलिए तो सब ले लिए सब, जवाब दीजिए,
When is the Human Rights Day observed? Its correct answer is 10 December. Theme: require better stand up for human rights. Exactly. Superb. Which player has won the 2020 Female World Athlete of the Year? World Athlete of the Year. Which player has won the 2020 Female World Athlete of the Year? World Athlete of the Year. मनोज सेन सर एग्जैक्टली डी नहीं इट्स मनोज सर इसका डी होगा किसका जवाब दे रहे हो आप गाइस गाइस यूलिमर रोजास दीपक सर का जवाब आ रहा है यूलिमर रोजास एग्जैक्टली एग्जैक्टली वेरी गुड और बिटू याद कहीं ये वेनेजुएला से हैं वेनेजुएला कराकस बोलीवर गाइज याद रखना कराकस एंड करेंसी इज बोलीवर बोलीवर इट्स करेक्ट है यूलिमर रोजास गाइज वेरी गुड सुपर ट्रिपल जंपर है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर या सो बेटू आज के लिए फिलहाल इतना ही था और गाइस आज रात का जो सेशन होगा वो होगा बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर रमत भाई अवेलेबल रहना है मनोज सेन सर सनिका दीपक सर आप तो रहेंगे ही अभी जिनके ऊपर जिन जो 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 है सब लोग अवेलेबल रहना भाई सबको अवेलेबल रहना है जिसको और विस्कर्स आप भी आ जाना रात के 9 बजे ठीक है 9 बजे बैंकिंग अवेयरनेस का सेशन होगा गाइज आज में बैंकिंग अवेयरनेस बेस्ड ऑन करेंट इवेंट बेस्ड ऑन करेंट इवेंट गाइज और बेटू कल रात में जो होगा वो आपका टेम्पल टेम्पल और फेस्टिवल के ऊपर एमसीक्यू होंगे जो हम लोगों ने अभी कराया है टुमारो ठीक है एंड टूडेज सो गाइज याद रखना आज होगा बैंकिंग अवेयरनेस और कल रात का होगा जो सेशन होगा वो होगा बेटू आपका क्या टेम्पल एंड फेस्टिवल ठीक है रात वाले सेशन में मिलते हैं बेटू हम नए सेशन के साथ नए टॉपिक के साथ और नया नया क्वेश्चन और गाइस ये करंट इवेंट के ऊपर बेस्ड होगा आज वाला सेशन बस टॉप 20 क्वेश्चंस होंगे फटाफट जवाब देना और कंप्लीट हो जाएगा कहानी और गाइस ये भी होगा कल इसमें 25-30 क्वेश्चंस होंगे ठीक है फिर से मिलते हैं रात में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जय हिंद बाय टेक केयर थैंक यू बच्चे सेशन को लाइक कर देना गाइस फटाफट सेशन का लाइक का बटन प्रेस कर देना